बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज निदास किचन में बन रहे हैं पराठे। मैं आपको चार तरीके से पराठे बनाना सिखाऊंगी और ये सारे बहुत ही खस्ता तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पराठों का आटा कैसे गूंदना है। पराठों का आटा गूंदने के लिए मैंने एक बॉल ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 कप मैदा डालूंगी। एक कप मैदे के साथ में इसमें 1 कप ही आटा डालूंगी। जितना मैदा होगा उतना ही आपने आटा लेना है। जी देखिए, 1 कप मैंने इसमें आटा डाल दिया। ये आटा बिल्कुल जो है गंदुम का जो आटा होता है, इसमें व्हाइट आटा मिक्स नहीं है। ठीक है, तो 1 कप मैदा, 1 कप आटा, इसको बस हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे। अगर आप इसमें चाहें तो चुटकी भर नमक डाल सकते हैं अगर आपको नमक पसंद है, लेकिन अगर इसे आपने सालन के साथ खाना है या अंडे के साथ तो फिर नमक अच्छा नहीं लगता। ये आपकी अपनी चॉइस है। आप सिंपली आटे को गूंद लें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और गूंद के देख लें। इसे आपने बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं आपने उस तरह से इसको गूंद लेना। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको गूंद लूंगी। जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको गूंद लिया। याद रहे कि आपने इसके अंदर बिल्कुल भी कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना। अगर आप इसके अंदर ऑयल मिक्स करेंगे तो आपके पराठे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ना ही इसमें आपने कोई दूध डालना है, सिर्फ मैदा, आटा और पानी और नमक आपकी चॉइस है। चलिए इसे अच्छी तरह से आप गूंद लें। बहुत नरम नहीं करना और ना ही बहुत सख्त गूंदना है। बहुत नरम भी करेंगे तो घी जैसे डालेंगे पराठा बनाने वक्त तो ये टूट जाएगा। इसे 5 से 10 मिनट आप गूंद लें। जी तो ये हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इस आटे को आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे सेट होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो, लेकिन फिर भी आप इसको 1 घंटा तो जरूर रख दें, अदरवाइज इसके लिए पराठे बनाना मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो आटा हमारा स्टेज पे रेडी है बिल्कुल। ये आप देख लें करीब से। चले जी, अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखने जा रही हूँ और इसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे।
क्या कह रहे हैं?